You all are doing well. Today we will discuss about another problem of DTFT. So our signal given to us is xn is equals to 1 by 4 raised to the power n u n minus 3. So hum kya karenge isko question ko properties ki help se solve karna shuru karenge. Dekho yahan se ye kis type ki property lag rahi hai, kuch kuch dekhne mein a की पावर n यू एन टाइप की प्रॉपर्टी लग रही है. हमने a की पावर n u की यू एन की जो DTFT पढ़ा था, क्या था उसका फॉर्मूला? a की पावर n यू एन का DTFT हम पढ़ चुके थे, कितना आया था वो? 1/(1 - a e की पावर माइनस जे ओमेगा, जहां पे एक डेफिनेशन क्या होती थी, मोड ऑफ ए क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, उसके लिए वैलिड होता था. तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ए जो हमारा 1 से कम है, 1/4 है ना, 1/4 1 से कम होता, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन माइनस 3 है. तो एन माइनस 3 है, तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/4 की पावर एन यू एन का निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ठीक है, उसको फिर कंपनसेट कर देंगे. तो हमें पता है इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर एन यू एन का डीटीएफटी कितना हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, और ए हमारा क्या 1 से कम है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को लगा सकता हूँ. अब नहीं होता फिर नहीं लगाता, ठीक है, फिर तो वो कन्वर्ट डाइवर्ज कर जाता. तो 1 - a की जगह कितना, 1/4 e की पावर माइनस जे ओमेगा. यहां तक बात समझ आई? अब देखो हमें चाहिए यू एन माइनस 3 साथ में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, n को n माइनस 3 से शिफ्ट कर देते हैं. तो क्या करते हैं अगले स्टेप में, रिप्लेस n/(n-3). तो क्या होगा, n को n-3 से जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे ऊपर सिग्नल में क्या फर्क आएगा, तो 1/4 की पावर n-3 और u ऑफ n-3, अगर मैं टाइम को शिफ्ट कर देता हूं किसी टाइम्स से, तो उस पे उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ टाइम शिफ्टिंग का. अगर हमारा xn का DTFT आता है हमारा x ऑफ e की पावर j ओमेगा, देन xn माइनस n नॉट का जो DTFT होगा वो कितना होगा, e की पावर माइनस j ओमेगा n नॉट x ऑफ e की पावर j ओमेगा, ठीक है. ये हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर क्या एन नोट की जगह 3 है, तो इस फॉर्मूले में मैं 3 लगा दूंगा, ठीक है. और जो एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, यानी जो हमारा ये हमारा एक्स एन है ऊपर, ये एक्स ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, ये एक्स एन माइनस एन नोट हो गया, तो ई की पावर का जो टर्म है इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन नोट की जगह कितना 3 मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल चल रहा था उसका ऊपर से, 1 - 1/4 e की पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है. यहां तक तो बात आ गई. अब देखो आगे बढ़ते, मुझे चाहिए किसका, 1/4 की पावर केवल n यू एन माइनस 3 तक तो मैं ले आया, तो मुझे ये जो माइनस 3 है 1/, इसको कैसे भी हटाना होगा, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 की पावर अलग अलग लिख लेता हूँ, माइनस 3 को अलग ले लेता हूँ, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक.
DTFT, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर माइनस j 3 ओमेगा लिख लेता हूं इसको, 1 माइनस 1 बाय 4 e की पावर माइनस j ओमेगा हो जाएगा। या तो बात समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी दोनों तरफ इसकी जो माइनस 3 की पावर है इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 1 अपॉन 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर लेफ्ट साइड में 1 बन जाएगा, उधर कुछ भी हो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 अपॉन 4 की पावर, सॉरी 1 अपॉन 4 की पावर 3, तो 1 बाय 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन 4 की पावर 3 पे यहां पे मल्टीप्लाई करी। ठीक है, 1 अपॉन बाकी का ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन 4 की पावर n u ऑफ n माइनस 3, इसका DTFT कितना हो जाएगा, इधर भी 1 अपॉन 4 की पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 ओमेगा, तो यहाँ पे भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर 3, इसको डिनोमिनेटर में उतार लो। रेड से मैंने इसलिए लिखाया जिस चीज से मल्टीप्लाई है वो अलग दिखे। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पावर दोनों का बेस से मैं ऐड करूंगा 3 माइनस 3 0 1 अपॉन 4 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्वांटिटी जो पूरी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से तो टेंशन हमें खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या बचेगा, इधर जो हमें बचने वाला है वो कितना आ जाएगा, ये दोनों पार्ट को 1 बना देंगे 1 अपॉन 4 की पावर n u of n minus 3 का DTFT कितना आ जाएगा। फिर देखो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, तो क्या मैं दोनों को का क्यूब करके लिख लेता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस j ओमेगा की पावर इसको मैं 3 लिख लूँ। ठीक है, और 1 अपॉन 4 की पावर 3 इसका है ही, अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 e की पावर माइनस 6 ओमेगा, हमें आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 की पावर n u ऑफ n माइनस 3 का DTFT कितना आ गया, e की पावर माइनस 6 ओमेगा अपॉन 4 की पावर 3 हो जाएगा, दोनों पे पावर 3 है तो हम एक साथ लिख लेता हूं मल्टीप्लाई करके अंदर, अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 e की पावर माइनस j ओमेगा, ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये इन्हीं बातों का ध्यान रखना रहता है, ज्यादा कुछ मुश्किल तो है नहीं इन क्वेश्चनों में करने में, एक बार प्रॉपर्टी याद है फिर तो बहुत आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसमें देख लो कोई स्टेप मिस तो नहीं हुआ, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ कमेंट का। और अगर नहीं हो रहा तो कि आप मेल भी कर सकते हैं मुझे अपनी प्रॉब्लम, मेल का मेल एड्रेस मैं आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेल आईडी मिल जाएगी आपको, और वहां पे आप अपना प्रॉब्लम मुझे सेंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।